ओपन एक्सेल, क्लिक ब्लैंक वर्कबुक, ओपन वर्ड, क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। दोस्तों कई ऐसी मूवी बनी हुई जिसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर दिखाया जाता है, जिसमें कोई भी काम करने के लिए कीबोर्ड माउस का यूज नहीं करते, सिर्फ कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कंप्यूटर उसे एक सेकेंड में कंप्लीट कर देता है। जैसे एक मूवी है आयरन मैन, अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपको पता होगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को कमांड दें और आपका कंप्यूटर एक सेकेंड में उस काम को कंप्लीट कर दे, तो मैं आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो 11 के अंदर एक ऐसा फीचर अपडेट किया है जिसका यूज करके अपने कंप्यूटर में आप जो भी कमांड देंगे आपका कंप्यूटर कमांड देते ही उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो उस फीचर का यूज कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 11 है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है अपडेट। नीचे आपको यहाँ पे दिखा देगा चेक फॉर अपडेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको अपने विंडो का अपडेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड इंस्टॉल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका विंडो अपडेट हो जाएगा। मैंने इसी महीने में अपने विंडो का अपडेट किया हुआ है, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और सर्च करना है सेटिंग। सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे एक फीचर आपको दिखा देगा एक्सेबिलिटी, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आपको एक फीचर दिखाई देगा इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पीच का, आप जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे टॉप में एक फीचर दिया हुआ है वॉइस एक्सेस। देखिए यहाँ पे ऑफ है अभी, इसे आपको ऑन कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे टॉप में आपको दिखा देगा स्लीप मोड, अभी ये स्लीप मोड में है, अभी हम कोई भी कमांड देंगे तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। कंप्यूटर को कमांड देने के लिए इसे हमें स्लीप मोड से हटाना पड़ता है। कैसे हटाएंगे अभी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेटिंग का ऑप्शन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको अपना माइक सेलेक्ट करना होता है, आपके कंप्यूटर से जो भी आपका माइक्रोफोन है उसे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे जो माइक्रोफोन है ये है रियलटेक ऑडियो यूएसबी, तो मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि कंप्यूटर हमारी आवाज को तभी सुनेगा जब हमारे कंप्यूटर से माइक्रोफोन अटैच होगा। तो आपको अपना माइक्रोफोन लगा देना है और इसके अंदर यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं मैनेज ऑप्शन। देखिए इसके अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं टर्न और ऑटोमेटिक पंक्चुएशन और एक दिया हुआ है फिल्टर प्रोफेनिटी, आपको दोनों को ऑन कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो दोनों फीचर है यहाँ पे ऑन हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लैंग्वेज का ऑप्शन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो अभी यहाँ पे लैंग्वेज एक्टिवेट है वो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे अगर आपको और भी कोई लैंग्वेज चाहिए तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे नीचे है इंग्लिश इंडिया, मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप में आ गया डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो लैंग्वेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया, अब मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर यहाँ पर दो लैंग्वेज आ चुके हैं, ये देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और इंग्लिश इंडिया। अगर आपको और भी लैंग्वेज चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टर्न ऑफ वॉइस एक्सेस है, तो अभी हमने ऑन किया है, ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होता है। और देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये हेल्प का ऑप्शन है, और ये दिया हुआ है व्यू ऑल कमांड्स है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर को कौन कौन से कमांड दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है गेट स्टार्टेड, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हम यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर कमांड देने के लिए बोलना पड़ता है वॉइस एक्सेस वेकअप है, जब हम बोलेंगे तो यहाँ पे जो हमारा स्लीप मोड है ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और हम जो भी कंप्यूटर कमांड देंगे कंप्यूटर से एक सेकंड में कंप्लीट कर देगा। यही वो कमांड दिए हुए हैं जो आपका कंप्यूटर को बोलना पड़ता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कमांड दिए हुए हैं, मैनेज वॉइस एक्सेस एंड माइक, माइक को एक्सेस करने के लिए। इसके बाद है इंटरेक्ट विद एप्स, एप्स के साथ क्या क्या इंटरेक्ट कर सकते हैं हम, जैसे कोई एप्लीकेशन हमें ओपन करना हो, क्लोज करना हो या उसके अंदर कोई भी काम करना हो तो हम क्या क्या बोल करके हम करा सकते हैं, यहाँ पे सारे कमांड दिए हुए हैं। देखिए ये दिया हुआ है ओपन, क्लोज, स्विच, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, सारे कमांड यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी कमांड दिया हुआ है जैसे इंटरेक्ट विद कंट्रोल, ये देखिए ये दिया हुआ है, ऐसे ही नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल माउस एंड कीबोर्ड, अगर माउस और कीबोर्ड को कंट्रोल करना है या फिर हमें कोई भी ऐसा कमांड माउस और कीबोर्ड से रिलेटेड देना होगा तो यहाँ पे सारे कमांड दिए हुए हैं। अगर हमें क्लिक करवाना है तो यहाँ बोलेंगे क्लिक, अगर हमें राइट क्लिक करवाना है तो हम बोलेंगे राइट क्लिक। तो ये सभी कमांड है जिसे आपको सीखना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर में कोई भी कमांड देने के लिए ये सभी कमांड आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कमांड कैसे देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया गेट स्टार्टर पे, स्लीप मोड से यहाँ पे कमांड मोड में लाने के लिए मुझे यहाँ पे बोलना है वॉइस एक्सेस वेकअप,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टनिंग। देखिए यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर जो है ये कमांड सुनना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा जो कमांड है ये स्लीप मोड से हट चुका है। अगर मैं कुछ और वर्ड बोलता हूँ इसके अलावा तो ये जो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। जो यहाँ पे कमांड का नाम दिया हुआ है उसी कमांड को हमारा कंप्यूटर सुनेगा। चलिए मैं आपको कोई एक एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ओपन क्रोम। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बोला सिर्फ ओपन क्रोम तो क्रोम यहाँ पे ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे माउस से क्लिक करके इसे स्लीप मोड में कर दिया है आज सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए मैं आपको और भी एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। वॉइस एक्सेस वेकअप ओपन एक्सेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल ओपन हो गया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करवाना है तो मैं यहाँ पे स्लीप मोड को एक्टिवेट कर देता हूँ। क्लिक ब्लैंक वर्कबुक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे एक्सेल ये ओपन हो गया और एक नया पेज भी यहाँ पे आ गया। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ओपन वर्ड। क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हेलो एवरीवन हाउ आर यू। दोस्तों आप यहाँ पे बोलकर भी टाइप कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर इस वाले फीचर का यूज करके। दोस्तों काम करते से आपको किसी भी कमांड का यूज करना है तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे कमांड दिए हुए हैं। अगर विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो क्या बोलेंगे मैक्सिमाइज विंडो। अगर किसी एप्लीकेशन को क्लोज करना होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज बोलना है और साथ में बोलना है एप्लीकेशन का नाम। और अगर हम कोई टेक्स्ट वर्ड टाइप करते हैं और हमें कोई कमांड देना होगा तो देखिए नीचे यहाँ पे सारे कमांड दिए हुए हैं। ये इसे आपको पहले सीखना होगा तभी आप टेक्स्ट पे काम कर पाएंगे। रीस्टोर करने के लिए आपको बोलना है रीस्टोर और एप्लीकेशन का नाम। ऐसे यहाँ पे रीस्टोर विंडो, फिर यहाँ पे स्क्रॉलिंग का भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, स्क्रॉलिंग स्टॉप, ये जितने भी यहाँ पे कमांड दिए हुए हैं पहले आपको इसे सीखना होगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉइस एक्सेस वेकअप, स्विच टू एक्सेल, मैक्सिमाइज एक्सेल, रीस्टोर एक्सेल, मिनिमाइज एक्सेल, क्लोज एमएस वर्ड। मैंने यहाँ पे माउस से क्लिक करके यहाँ पे स्लीप मोड में कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे बोला मैक्सिमाइज एक्सेल, मिनिमाइज एक्सेल, रीस्टोर एक्सेल, तो यहाँ पे सारे कमांड काम कर रहे थे। और अभी मैंने यहाँ पे क्लोज वर्ड बोला तो यहाँ पे जो भी टाइप किया हुआ इसे सेव करने का ऑप्शन आया हुआ है तो यहाँ पे करता हूँ मैं डोंट सेव। तो ऐसे ही दोस्तों कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए जितने भी कमांड यहाँ पे दिए हुए हैं आपको पहले इसे याद करना होगा तभी आप कंप्यूटर में कमांड देकर के कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं। और जो भी आप कमांड देंगे सिर्फ एक सेकेंड में कंप्यूटर से कंप्लीट कर देगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की और भी नई वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।